गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज हम 14 मार्च और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपडेट जानने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो चलते हैं, देखिए शिक्षकों को तबादले व नीति जारी होने का इंतजार। शिक्षा विभाग श्रेणीवार तबादलों की प्रक्रिया में जुटा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों में रोष, पहले जारी करिए तबादला नीति। तो दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कोटा संभाग के 8 संस्कृत विद्यालय कर्मोन्नत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा। नीट पीजी में कम की 15% कट ऑफ। NBEMS ने जारी किया सभी वर्गों का संशोधन स्कोर। नीट पीजी की रिवाइज कट ऑफ जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी और अन्य कैटेगरी की आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार के नियम ताक पर PTET में हजारों अभ्यर्थियों को आर्थिक आरक्षण का नहीं दिया लाभ, कन्नी काटने में जुटी। EWS अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्रतिशत और अन्य छूट तक नहीं दी। SC ST OBC के लिए पात्रता 45%, EWS के लिए सामान्य वर्ग के लिए समान 50% ही रखी। आर्थिक आरक्षण पर राहत नहीं, हजारों अभ्यर्थी वंचित। भर्तियों में आरक्षण का लाभ अब काटी कन्नी। बड़ा सवाल, बच्चे परीक्षा की तैयारी करें या वार्षिक उत्सव मनाएं। 12 मार्च को खत्म होने वाली वार्षिक उत्सव आयोजन की तिथि बढ़ाई, अब 26 को खत्म होंगे ये कार्यक्रम। 24 मार्च से हो रही है परीक्षाएं शुरू। CBSE परीक्षा 26 अप्रैल से। स्कूल स्टाफ से परेशान महिला टीचर बोली, सुसाइड कर लूंगी। प्रिंसिपल पर लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप, 15 शिक्षकों के स्टाफ में अकेली महिला। प्रधानाध्यापक ने कहा आरोप सारे निराधार, जांच टीम ने लिखा कि अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। EWS के अभ्यर्थियों को अंक सीमा में छूट की मांग। विज्ञान और वाणिज्य संकाय वाले वरिष्ठ अध्यापक कैसे बनेंगे व्याख्याता, बदले सेवा नियम, जिस विषय में स्नातक उसी में स्नातकोत्तर तो ही मिलेगी पदोन्नति। RS मुख्य परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र अपलोड, समस्त संभागीय मुख्यालय पर किया जाएगा परीक्षा का आयोजन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।